हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स। मैं हूं रवीश और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच कई सालों से कोई सीरीज नहीं खेली गई है। ना ही भारत की टीम पाकिस्तान जाती है और ना ही पाकिस्तान की टीम भारत आती है, लेकिन अब भारत और पाकिस्तान के बीच सीरीज खेलने की संभावना बन रही है। कैसे ये संभावना बन रही है ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। तो चलिए बात करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच कैसे एक सीरीज खेलने की जो मांग है, एक सीरीज खेलने की जो संभावना है वो बन रही है। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भारत और पाकिस्तान में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए धन जुटाने के मकसद से दोनों देशों के बीच 3 मैचों की वनडे क्रिकेट सीरीज आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है। पाकिस्तान के एक संगठन की ओर से भारत पर आतंकी हमले के बाद से दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ कोई भी पूरी सीरीज नहीं खेली है। दोनों का सामना आईसीसी टूर्नामेंट और एशिया कप में हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि बीते कुछ सालों में भारत और पाकिस्तान के बीच मैचेस नहीं खेले गए हों। भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हुए हैं, लेकिन वो या तो वर्ल्ड कप में खेले गए हैं या फिर एशिया कप में खेले गए हैं। और ऐसे में शोएब अख्तर चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच बायलेटरल सीरीज का आयोजन किया जाए। शोएब अख्तर ने कहा, संकट के इस दौर में मैं दोनों देशों के बीच 3 मैचों की सीरीज का प्रस्ताव रखता हूं। पहली बार इस सीरीज का नतीजा कुछ भी निकले, दोनों देशों में से किसी के क्रिकेट को दुख नहीं होगा। उन्होंने कहा कि विराट कोहली शतक जमाता है तो हम खुश होंगे, बाबर आजम शतक ठोकता है तो आप खुश होंगे। मैच का नतीजा जो भी निकले दोनों टीमें विजयी होंगी। शोएब अख्तर ने कहा कि इस मैच को काफी दर्शक मिलेंगे, पहली बार दोनों देश एक दूसरे के लिए खेलेंगे, इससे जो भी पैसा मिले वो कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए दोनों देशों में बराबर बांट दिया जाए। लेकिन अब सवाल यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच होंगे उनका आयोजन कहां किया जाएगा, क्योंकि ना तो भारतीय टीम पाकिस्तान जाएगी और ना ही पाकिस्तान की टीम भारत आ सकती है। ऐसे में शोएब अख्तर का मानना है कि ये मैचेस जो हैं वो दुबई में होने चाहिए, जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों को ही कोई दिक्कत नहीं होगी। शोएब अख्तर ने कहा कि इस समय सभी घरों में बैठे हैं तो वो मैच देखेंगे, भले ही अभी नहीं लेकिन जब हालात दुरुस्त होने लगेंगे तो दुबई में खेले जा सकते हैं। इसके लिए चार्टर्ड फ्लाइट का इंतजाम किया जा सकता है। उन्होंने कहा इससे दोनों देशों के राजनयिक संबंध भी सुधर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि संकट के इस दौर में दोनों देशों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा भारत अगर हमें 10,000 वेंटिलेटर देता है तो पाकिस्तान इसे हमेशा याद रखेगा। हम तो सिर्फ मैचों की पेशकश कर सकते हैं, बाकी अधिकारियों को तय करना है। आपको बता दें भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले 8 सालों से कोई बायलेटरल सीरीज नहीं खेली गई है। आखिरी बार पाकिस्तान की टीम भारत में आई थी वो साल था 2012, जब पाकिस्तान की टीम ने 3 वनडे और 2 T20 मुकाबले खेले थे। इसके बाद पाकिस्तान और भारत का मुकाबला आईसीसी के टूर्नामेंट्स या फिर एशिया कप में ही हुआ है। पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर शाहिद आफरीदी की चैरिटी की मदद का अनुरोध करने वाले भारतीय क्रिकेटर्स युवराज सिंह और हरभजन सिंह की आलोचना के बारे में पूछने पर शोएब अख्तर ने कहा, यह मानवीय है, इस समय देश या मजहब की बात नहीं इंसानियत की बात होनी चाहिए। इसको लेकर जो विवाद हुआ था उसका भी एक वीडियो हमने बनाया था, अगर आप चाहें तो नीचे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो ये तो रही भारत और पाकिस्तान के बीच सीरीज की बात, जिसमें दोनों देशों की सरकारें ही तय करेंगे कि क्या इस तरीके की कोई सीरीज हो सकती है। आपका क्या मानना है इसमें, नीचे आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे YouTube स्पोर्ट्स चैनल NN स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और जितना ज्यादा हो सके शेयर करें।